गुड इवनिंग बच्चों। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको प्लाज्मा टेनिस का जो तीसरा यूनिट मोमेंट एंड कपल है अगुण और बलयुग में उसका आठवां पार्ट पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, इस आठवें पार्ट में हम देखेंगे कंपाउंड लीवर, संयुक्त लीवर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि ये जो कंपाउंड लीवर होता है दो या दो से अधिक सरल लीवर्स को मिला के बना होता है, या सरल लीवर को संयुक्त करके बनाया जाता है, या फिर दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर जो अभी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा उसको मिला के बनाया जाता है या बना होता है। तो इसका लीवरेज जो है वो बहुत होता है। लीवरेज हमने अभी जब लीवर पढ़ रहे थे तो हम लीवरेज देखे थे क्या होता है। तो इसका जो लीवरेज होता है बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत कम इफोर्ट लगा करके, बहुत कम प्रयास लगा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठा सकते हैं, है ना। तो बेसिकली है क्या, तो मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल लीवर और बेल क्रैंक लीवर, दो या दो से अधिक साधारण लीवर अथवा बेल क्रैंक लीवर को संयुक्त करके बनाया जाता है। इसका लीवरेज बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम लोड कैन बी लिफ्टेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इफोर्ट, थोड़े से प्रयास लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठाया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं है क्या। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं ये बेल क्रैंक लीवर है, तो एक बेल क्रैंक लीवर और ये दूसरा बेल क्रैंक लीवर, इसको आपस में ज्वाइन करके, संयुक्त करके, कंपाउंड करके कंपाउंड लीवर बनाया। तो ये इसका फलक्रम F1 है ये पॉइंट पे, ये इसका फलक्रम F2 है इस पॉइंट पे, तो दो फलक्रम पॉइंट हैं और ये पिन ज्वाइंट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो प्रयास, एक सिरे पर प्रयास और दूसरे सिरे पर भार होती है, तो प्रयास कौन सा होगा, तो बच्चों प्रयास क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, इफोर्ट हो जाएगा प्रयास। इस पॉइंट से मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, ए। अब बी पॉइंट पे मान लेते हैं हम लोड लग रहा है कितने का, डब्ल्यू का, डब्ल्यू न्यूटन का या किलो न्यूटन जो भी रखना, तो प्रयास और ये भार। तो एक बेल क्रैंक लीवर और दो बेल क्रैंक लीवर या सिंपल लीवर्स को आपस में जोड़ करके पिन ज्वाइंट हो सकते हैं, हिंज ज्वाइंट हो सकते हैं, पिवोटेड हो सकते हैं, संयुक्त लीवर बनाया जाता है। तो इस लीवर का बच्चों लीवरेज क्या होता है, व्हाट इज लीवरेज ऑफ कंपाउंड लीवर। तो कंपाउंड लीवर का जो लीवरेज होता है, तो इसमें दो बेल क्रैंक लीवर है, तो एक लीवर का लीवरेज, दूसरे लीवर का लीवरेज, तीसरे लीवर का लीवरेज, जो नहीं है दो ही बेल क्रैंक लीवर या दो ही सिंपल लीवर, दो से ज़्यादा बेल क्रैंक लीवर हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा सिंपल लीवर हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल सबका आप लीवरेज निकालिएगा, मतलब बेल क्रैंक लीवर पहला वाला और बेल क्रैंक लीवर आप दूसरे वाले का, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो कंपाउंड लीवर का लीवरेज आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि तीसरा लीवर भी हो, तो तीसरे लीवर का भी लीवरेज निकाल करके आप आपस में, मतलब लीवरेज ऑफ कंपाउंड लीवर क्या होगा, तो लीवरेज ऑफ फर्स्ट लीवर, पहले लीवर का लीवरेज गुणे दूसरे लीवर का लीवरेज और तीसरे लीवर का लीवरेज, चाहे जितने भी नंबर ऑफ लीवर्स हों आप उन सब के इंडिविजुअल लीवरेज को, उन सब लीवर के लीवरेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है कंपाउंड लीवर का लीवरेज। ठीक है, कंपाउंड लीवर में बस इतना ही, और इसके न्यूमेरिकल्स बेल क्रैंक लीवर की तरह ही, पहला निकालूंगा लीवर, दूसरा निकालूंगा, तीसरा निकालूंगा, तो कई सारे बेल लीवर्स के लीवरेज निकाल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा कंपाउंड लीवर का लीवरेज। तो बेल क्रैंक लीवर की तरह ही है, वही है, बस कई दो या दो से ज़्यादा बेल क्रैंक लीवर आपस में पिन ज्वाइंट या पिवोटेड ज्वाइंट पे जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं कंपाउंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वो ख़त्म हो गया। अब आपका स्टील यार्ड हम देखते हैं। तो स्टील यार्ड क्या है, तो फलक्रम बीच में है, लोड और रिफोर्ट एक तरफ प्रयास है, दूसरी तरफ भार डब्ल्यू है, ये फलक्रम है। ठीक है, तो ये प्रथम वर्कआउट तो लगा फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है। इसकी एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी बहुत बड़ी होती है, इसकी एक भुजा छोटी होती है और दूसरी बहुत बड़ी होती है। यह शीघ्रता से लगभग भार ज्ञात करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत उपयोगी होता है। तो इसका काम क्या है, आप देखे होंगे कहीं इस तरह का तुला या भार निकालने के लिए इस तरह का जो बैलेंस है, तुला है, उसको इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वही कह रहा है,
कि बहुत तेज़ी से ज्ञात करने के लिए, मेजर करने के लिए वेट को एक किया जाता है। इसमें एक जो हॉरिजॉन्टल बीम होता है, जैसे जो ए है और बी है, ये एक पूरा हॉरिजॉन्टल बीम है ना, जो फिक्स्ड फलक्रम, जो स्थिर फलक्रम, स्थिर आलम एफ के परितः घूम सकता है। आप यहाँ भार रखेंगे, इस पी को जो सी पे लगा हुआ है प्रयास, इस प्रयास को हम, ये डी बी जो लेंथ है, हम प्रयास भुजा है, डी टू बी क्या है, प्रयास लगा रहा है तो प्रयास भुजा होगी, तो डी टू बी इस प्रयास को हम मूव करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ फलक्रम इसको कहीं उठान देते हैं, हैंग कर देते हैं, यहाँ पे लोड रख देते हैं जो डब्ल्यू लोड है। इस लोड को मेजर करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रयास रखते हैं, और प्रयास को इधर या इधर हम सरकाते हैं डी टू बी, मतलब प्रयास भुजा पे, इफोर्ट आर्म पे। तो इफोर्ट आर्म पे हम इसको सरकाते हैं, और जहाँ भी ये बैलेंस हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया, वही उसका मेजरमेंट होगा कि कितना भार रखा गया है, यहाँ पे बना होगा स्केल, है ना। ठीक, अच्छा अब क्या है कि बाई जो छोटी भुजा है, एक हुक या पल्ला लगा होता है, तो जो बाई भुजा है, ये छोटी भुजा, ये बच्चों छोटी होती है, ये बड़ी होती है, तो जो छोटी भुजा है बाई तरफ, उस पर एक हुक या पल्ला लगा होगा बिंदु ए पर, ठीक है, जिस पे हमें लोड रखना होगा, जिस पे हमें भार को रखा जाता है, जिसको हमें तोड़ना है, ये ए पर लगा होगा, है ना, ठीक है। लोड दाहिनी भुजा डी बी पर एक सरकने वाला प्रयास हुक की सहायता से लटकाया जाता है, तो जो दाई भुजा है डी बी, वो छोटी है, सॉरी बड़ी है, मैंने बनाया छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना, ये इसका भार भुजा छोटी होती है, प्रयास भुजा बड़ी होती है, तो ये जगह नहीं था इसलिए छोटा ही बनाना पड़ा। खैर आप समझिए कि जो प्रयास भुजा है, हमने कहा ये बाई भुजा छोटी होती है ना, जिस पे एक हुक या ए पर हुक या पल्ला से भार लटकाते हैं, दाहिनी भुजा पर सी पॉइंट पर हम प्रयास लगाते हैं, और ये प्रयास भुजा डी से बी पर सरकाया जाता है हुक की सहायता से, एक हुक से लटकाया जाता है, लटका हुआ आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, इस भुजा पर निशान बने होते हैं, मार्किंग बनी होती है, जैसा कि हमने मार्किंग बनाया हुआ, जिन पर भार अंकित रहता है, जहाँ पे वेट पॉइंट शो करता है। बैलेंस के स्थिति में, संतुलन की अवस्था में, जो सी है, जहाँ पे हमारा ये है, सी द्वारा जो मान दर्शाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे पी हमने लटकाया सी पॉइंट पर, और सी की जो रीडिंग है इस स्केल में, वही तौले जाने वाले वस्तु का भार होगा या पिंड का भार होता है डब्ल्यू। स्टील यार्ड का जो गुरुत्व केंद्र होता है जी, आलम एफ के किसी भी ओर हो सकता है, मान लीजिए ये जी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी होता है, बैलेंस कंडीशन में, है ना। चलिए, तो ये आपका स्टील यार्ड है, तो पहले टाइप का लीवर है, इट इज़ अ फर्स्ट टाइप लीवर, यूज टू मेजर फास्ट वेटिंग बैलेंस, मतलब शीघ्रता से भार को मापने के लिए किया जाता है। वन आर्म इज लॉन्ग एंड अनदर आर्म इज शॉर्ट इन लेंथ, एक भुजा छोटी होती है, ये भुजा छोटी है, भार भुजा, प्रयास भुजा बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल कर लें आपका स्टील यार्ड पे, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बीटीयू पे 1976 में, 1976 में पूछा था, चलिए कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कह रहा है द वेट ऑफ स्टील यार्ड इज 50 न्यूटन, स्टील यार्ड का भार 50 न्यूटन है, एक 300 न्यूटन का भार आलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब 300 न्यूटन वेट इज हैंगिंग अपार्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फलक्रम एफ। ठीक है, स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र क्या है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये कह रहा है 300 न्यूटन का भार आलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटक रहा है। द सेंट्रॉइड इज ऑफ स्टील यार्ड इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फलक्रम, मतलब स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र आलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एंड 50 न्यूटन वेट इज मूविंग टूवर्ड दैट साइड, और तथा उसी ओर एक 50 न्यूटन का भार चलता है ना, अभी क्वेश्चन को समझाऊंगा। फाइंड द मूविंग वेट पोजिशन, चलते भार की स्थिति निकालिए वाइल स्टील यार्ड भी हॉरिजॉन्टल, जब स्टील यार्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब बैलेंस में। तो गिवन डेटा क्या क्या है बच्चों, तो गिवन डेटा मैं यहाँ पे बता दूँ इस क्वेश्चन में, ये स्टील यार्ड बनाया, बार बार नहीं बनाऊंगा ना, बना लीजिएगा आप जानते ही हैं। चलिए, तो स्टील यार्ड का मैं आपको ये नोट, ये जो गिवन डेटा है यहाँ पे शो करता हूँ, चलिए देखता हूँ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा, बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। कह रहा है वेट ऑफ द स्टील यार्ड इज 50 न्यूटन,
स्टील यार्ड का भार कितना है, 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन का भार कहाँ लगेगा, उसके गुरुत्व केंद्र पर मतलब कि ओमेगा का मान दिया हुआ है, ओमेगा का मान कितना है, एक सेकंड पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बस दूसरा मोमेंट, ठीक है। तो ये वेट ऑफ द स्टील यार्ड 50 न्यूटन, वेट कहाँ लगेगा, यानी ओमेगा का मान दिया कितना, 50 न्यूटन, ठीक है। पहला पॉइंट एक, अ 300 न्यूटन वेट इज हैंगिंग अपार्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम एफ। अब ये फल्क्रम एफ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब फल्क्रम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लग रहा है, भार डब्लू, डब्लू का मान कितना है 300 न्यूटन का, है ना। तो जो वेट है ये 300 न्यूटन का भार फल्क्रम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटक रहा है। द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील यार्ड इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फल्क्रम। और स्टील यार्ड का जो सेंट्रॉइड है मतलब जी है, वो 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर अवे है। तो एक बात और बच्चों, कि इसका जो जी पॉइंट है वो इधर कहीं है, अवे है, तो अवे है फल्क्रम से, तो मतलब ये यहाँ पे नहीं है, ये जो जी है ये यहाँ पे नहीं है, मतलब अब जो फल्क्रम से 2 सेंटीमीटर मतलब G1 है, जो इसका भार है बैलेंस रखने पर ये ओमेगा 50 न्यूटन ही है, लेकिन अब ये G1 पॉइंट पर यहाँ पर है, कितनी दूरी पर, तो फल्क्रम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, फल्क्रम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। चलो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर नया जो गुरुत्व केंद्र G1 है, 50 न्यूटन का स्टील का भार है बैलेंस के कंडीशन में, ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, यहाँ जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है फल्क्रम पॉइंट से, पॉइंट एफ से ये दूरी G1 तक की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, एंड 50 न्यूटन वेट इज मूविंग टूवर्ड्स दैट साइड। और उसी साइड में मतलब इसी साइड में 50 न्यूटन का जो एक वेट है, जो प्रयास है बेसिकली, वो 50 न्यूटन का इसी साइड में चल रहा है, चल रहा है मतलब प्रयास भुजा पे मूव करा रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और, तो मान लीजिए जो प्रयास मूव कर रहा है वो फल्क्रम से, पहले फल्क्रम हम बना दें, फल्क्रम का सेंटर मतलब लाइन ऑफ एक्सिस, ये फल्क्रम की लाइन है और ये प्रयास की लाइन है। तो ये मान लिया हमने दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फल्क्रम से प्रयास की हमने मान लिया एक्स, दिया नहीं है तो मान लिया एक्स, ठीक है ना। फाइंड द मूविंग वेट एंड पोजिशन, मूविंग वेट पोजिशन, ये जो मूविंग वेट है उसकी स्थिति यानी एक्स निकालनी है, यही तो है एक्स, हमने मान लिया है जो भार चल रहा है, जो प्रयास भुजा में चल रहा है उसी की स्थिति निकालनी है जो 50 न्यूटन का है, ताकि ये अब कह रहा है कि जब स्टील यार्ड बैलेंस हॉरिजॉन्टल होगा तो बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, वही कहने का मतलब है। तो जब ये साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है या क्षैतिज में है, तो इस जो प्रयास 50 न्यूटन का है ये फल्क्रम से कितनी दूरी पर है, वही दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है जी। चलिए तो हम क्या करें, मोमेंट ले ला किसी एक पॉइंट के अबाउट, चलिए तो टेकिंग मोमेंट अबाउट फल्क्रम के अबाउट लेंगे, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट एफ, एफ के परिताघूल लेने पर तो क्या हो जाएगा जी, एफ के परिताघूल लेंगे तो देखिए जी, एफ के परिता अगर हम आघूल लेते हैं तो आघूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा फल्क्रम के अबाउट, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ए टू एफ कितना है, ये दूरी भी चाहिए ना, ठीक है रखिए, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फल्क्रम से भार भुजा की दूरी कितनी है, भार जहाँ रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस डब्ल्यू इंटू ए टू एफ, डब्ल्यू 300 न्यूटन, ए एफ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड में कोई नहीं है मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज बना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, अब क्लॉकवाइज देखते हैं जी, तो क्लॉकवाइज कौन सा है, ये नया वाला जी है क्योंकि अब ये वैलिड नहीं है, तो ये नया वाला G1 पे है, 2 सेंटीमीटर है, क्लॉकवाइज बना रहा है, मतलब ओमेगा जो 50 न्यूटन स्टील यार्ड का भार है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा का गुरुत्व केंद्र से जो इसका भार है 50 न्यूटन, ये कहाँ पे है, कितनी दूरी पर है फल्क्रम से, तो 2 सेंटीमीटर, तो ओमेगा इंटू 2 क्लॉकवाइज है, तो चाहे आप इक्वल कर दीजिए
माइनस करेंगे उधर भेजेंगे इक्वल होगा, चलिए माइनस कर देते हैं, तो माइनस ओमेगा इंटू टू, ठीक है। और कोई है? हाँ जी है, ये पी वाला, तो माइनस ए भी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा फलक्रम के, तो माइनस पी, और इस इफोर्ट का फलक्रम से डिस्टेंस कितना है? एक्स है, तो माइनस पी इंटू एक्स, ठीक है। तो रख लीजिए, तो डब्ल्यू का मान कितना है? 300 न्यूटन, ए एफ का मान 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू जीरो भी रहेगा, तो माइनस ओमेगा का मान 50 न्यूटन, स्टील यार्ड का भार 2 सेंटीमीटर दूरी है फलक्रम से, माइनस प्रयास 50 न्यूटन है, और एक्स यही निकालना है, इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का मान आप निकाल लेंगे? चलिए मैं निकाल देता हूँ, नहीं निकाल पाएंगे तो, हाँ आप लोग को तो आदत है बैठ के बैठा बैठा खाना खाने की, है ना। चलिए 3000 न्यूटन माइनस, अरे ये न्यूटन में ही है सारा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मतलब नहीं है, एक्स दूरी मीटर में आ जाएगी। 3000 माइनस 50 इंटू 200 माइनस 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 50x क्या हो जाएगा, इधर भेजें तो 50x इज इक्वल टू 3000 माइनस 100, हमने 3000 माइनस 100 कहीं रखने दिया, 50x को उधर भेज दिया, प्लस में आ गया, x इज इक्वल टू, हमने क्या किया समझ ही रहे होंगे, 50x को यहीं रह, 50x को उधर भेज दिया, 3000 माइनस 100 कहीं रहने दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, x इज इक्वल टू 2900 अपॉन में 50, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 58, दैट विल बी इक्वल टू 58, सब सेंटीमीटर में था तो सर, क्योंकि ये लोड लोड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्टेंस ही बचेगा, तो सेंटीमीटर में आएगा, है ना, तो सेंटीमीटर 58 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 58 सेंटीमीटर दूर है ये प्रयास, ये 50 न्यूटन का है, फलक्रम से 58 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया गया है, जिसका मान कितना है 50 न्यूटन है, बैलेंस करने के लिए इस तुला को, ठीक है, समझ गए होंगे, स्टील यार्ड का क्वेश्चन मैंने इसी में करा दिया ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियोस में हम सेफ्टी लीवर वॉल पढ़ेंगे, लीवर सुरक्षा वॉल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा लेकिन लास्ट में। चलिए बच्चों, आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़िएगा ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है बच्चों, बाय।